हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, पिछला वीडियो नहीं कि वीडियो नंबर 69, जिसमें मैंने इस तरह का बैंगल सिखाया था आपको, जिसे पछेली बैंगल कहते हैं। आज इसी का कंटिन्यू करेंगे हम, और रेशम के जो धागे से बैंगल बनती है, सिल्क थ्रेड से, आज हम वो वाली बैंगल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बैंगल बनाने के लिए हमें इस तरह का सिल्क थ्रेड जो आता है वो चाहिए। अगर आपके पास ये सिल्क थ्रेड नहीं हो तो आप देखिए इस तरह के पतला जो सेटन रिबिन आता है, पतले सेटन रिबिन से आप आराम से बना सकते हैं ये बैंगल्स भी। जरूरी नहीं हमें ऐसा सिल्क थ्रेड मिले, इससे भी आराम से बन जाएगा। अगर आपके पास पतला नहीं हो तो थोड़ा मोटा वाला जो सेटन रिबिन आता है आप इससे बना सकते हो। इस रिबिन को आप हाफ में कट करके इतना पतला लेके भी आप बना सकते हो, इजीली बन जाएगा और अच्छा बनेगा। सिल्क थ्रेड का अपना अलग शो आएगा और इस तरीके से बनाएंगे इसकी अलग शो आएगी। उसके अलावा हमें इस तरह के लूप वाले मोती चाहिएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें ये देखिए लूप लगे हुए हैं, ये लटकन वाले मोती बोलते हैं, लटकते हुए इस तरह के हमें मोती की जरूरत होगी। इसके अंदर डायमंड चेन और बॉल चेन और बैंगल्स, कोई भी पुरानी बैंगल्स आप यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास पुरानी बैंगल्स नहीं यूज करनी है या नहीं है तो आप मार्केट से प्लास्टिक की बैंगल्स आती है वो भी आप ले सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हमें ये दो बैंगल है इसे चिपकाना है। देखिए इसमें आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। देखिए ये दो बैंगल चिपकाएंगे तो हमें थोड़ा चौड़ा कड़ा मिल जाएगा, अगर हम ज्यादा बैंगल चिपका के बनाएं तो हमें और मोटा कड़ा मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके का चाहिए। अगर आपको थोड़ी चौड़ा बनाना है डिजाइन तो आप ज्यादा लीजिए, कम बनाना है तो आप एक हटा दीजिए। जैसे मैं इसमें दो दो का सेट ले रही हूँ, दो दो बैंगल को ज्वाइन करके। अच्छा, अगर आपको पूरा चूड़े का सेट बनाना है या फुल बैंगल सेट बनाना है तो आप इस तरह से दो दो को ज्वाइन कीजिए और बीच में जो लगाएंगे उसे बारीक बारीक सिंगल पे भी आप थ्रेड लपेट कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो सीख रहे हैं ये हम ज्वाइन करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगल को ज्वाइन कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। इसे देखिए इस तरह से सेंटर पे हम फेविकॉल लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमने फेविकॉल लगाया और देखिए दूसरा बैंगल हमने इसके ऊपर बस रख दिया जस्ट। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे पूरी तरह। जब ये सूख जाएगा फिर उस पर हम सिल्क थ्रेड लपेटेंगे। सिल्क थ्रेड लपेटने के लिए देखिए मैंने पहले बताया, या तो आप रिबन से भी कर सकते हैं, रिबन लपेट लीजिए, और नहीं तो सिल्क थ्रेड को आप कोई भी बुक ले लीजिए या कुछ भी आपके पास में जो थ्रेड लपेटने के लिए हमें चाहिए, पुट्ठा हो, अपना माउंट बोर्ड शीट हो, कुछ भी आप ले लीजिए ताकि हमारा लंबा धागा बन सके। जैसे मेरे पास तो ये मैं रोज यूज करती हूँ, पैड रखा है इसे मैं यूज करती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इस पर सिल्क थ्रेड ले लिया मैंने इसे और इसे मैंने लपेट, देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैं इस पर लपेटूंगी। अच्छा सा मोटा सारा हम लपेट लेंगे ताकि हमारी पूरी बैंगल पर ये लिपट जाए अच्छे से। देखिए इस पर हमने अच्छे से मोटा सारा हमने थ्रेड लपेट लिया है, खूब अच्छे से हमने ले लिया है। ठीक है, अब हम इसे कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहां से कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अभी आप इकट्ठा कर लिया हमने थ्रेड को, ठीक है, पूरे थ्रेड को हमें इस तरीके से हाथ में पकड़ लेना है, एक भी छूट नहीं जाए, इस तरीके से देखिए इसे हाथ में पकड़ लिया हमने। और अभी हमें कैची की हेल्प से यहां ऊपर से, ये जो ऊपर है ना यहां से हम पकड़ रखें, यहां से हमें इसे कटिंग कर देना है। ये देखिए ये हमारे हाथ में रह गया पोर्शन, ये देखिए ये लंबा सा थ्रेड हमको मिल गया है बैंगल पे लपेटने के लिए। अब ये सिल्क है, एक एक धागे हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें हल्का सा हम
क्लॉथ वाला ग्लू लेंगे, जो कपड़े पर लगाते हैं वो ग्लू हम इस पर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा लगाकर इस तरीके से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे ताकि हमारे सारे थ्रेड आपस में चिपक जाए। ये देखिए सब थ्रेड आपस में चिपक गए। अब इसे हम बैंगल पर लपेटेंगे तो इजी हो जाएगा हमें लपेटना। ये भी हमारा पूरा थ्रेड आ गया बैंगल पे लपेटने के लिए, ठीक है। अब इसे हम शुरू करते हैं, 2 मिनट सूख जाने दीजिएगा ताकि आराम से लग जाए। ये देखिए ये जो बैंगल हमने रखी थी सूखने, कुछ कुछ सूख गई है, थोड़ी गीली है, ध्यान से करें। अब हमें क्या करना है, सिंपल एकदम सिंपल तरीका है, क्लॉथ ग्लू लेंगे हम, या ये नहीं होगा तो फेविकोल भी चलेगा, फेविकोल से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इधर हमें लगाना है, हमने हल्का सा लगाया और इस पर हमें हमारा थ्रेड चिपका देना है। थोड़ा पेशेंसली करेंगे, थ्रेड अच्छे से चिपक जाएगा तो हमारा ये अच्छे से बन जाएगा। अगर हम तुरंत बांधना शुरू कर देंगे तो कैसे खिंच के गिर ना जाए। ये देखिए ये हमारा चिपक गया। अब हमें एकदम सिंपल तरीका है, इसे पूरे को लपेट लेना है इसे। ये देखिए इस तरीके से अब इसमें आप ऊपर हल्का हल्का फेविकोल या ग्लू कुछ भी लगा सकते हैं, हल्का हल्का सा ऊपर लगा देंगे ताकि हमारे पूरे थ्रेड आपस चिपक जाए। ये देखिए मेरी बैंगल अभी चिपकी नहीं, तो देखिए टेढ़ी हो रही है, लेकिन आप सूखने दीजिएगा, सूखेगी तो हाथ हिलेगा नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ही गिली में कीजिएगा। ये देखिए टाइट टाइट से हम ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो नीचे के बैंगल का कलर है वो ना दिखाई दे, पूरा उस पर हमारा थ्रेड आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी बैंगल को कवर कर लेंगे, पूरी बैंगल पे हम इस तरह से थ्रेड लपेट देंगे। और एंड में हम लपेटने के बाद में जब हमारा धागा खत्म होगा, हम यहां से कटिंग करके इसे नीचे ही ज्वाइंट कर देंगे। ऊपर हमारा ज्वाइंट नहीं आए, नीचे ही ज्वाइंट आएगा हमारा। और पूरा आप खींच के लेंगे तो देखिए एक भी थ्रेड हमारा, इतना बारीक बारीक धागे हैं, आप देखिए अच्छे टाइटली लेंगे तो एक भी थ्रेड हमारा यहां वहां नहीं है। देख रहे हैं पूरा स्मूथ और प्लेन एकदम अच्छे से आ रहा है। बस 2 बैंगल ज्वाइंट की तो उसे सूखने दीजिएगा, या अगर रेडीमेड ला रहे हैं कड़ा तो थोड़ा मोटा कड़ा ले आइएगा ताकि हो जाए। मेरे पास जो घर में था तो मैंने ज्वाइन करके यूज कर लिया है। देखिए हमारा बैंगल थ्रेड लग के रेडी हो गया है, पूरे पे हमने धागा लपेट लिया है, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सुई धागे में ये जो बारीक वाले मैंने मोती बताए थे आपको, ये देखिए हुक्स वाले जो ये मोती बताए थे मैंने, अब हम इसे ये लगाएंगे। हमें क्या करना है, कहीं पे भी बैंगल से एक बार स्टार्ट करेंगे हम, सेंटर पर से हम सुई निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हम ये बारीक वाले मोती पिरो लेंगे, या आप अंदाजे से कितना पिरोना चाहते हैं वो पिरो सकते हैं। जैसे मैंने 10 लिए हैं इसके अंदर, तो आप 10 मोती भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। देखिए 10 मोती हो गए, ये हमने इसमें लिए। ये हमारा मोतियों का एक देखिए छोटा सा बंच बन जाएगा इस तरीके का। ये देखिए हम देख रहे हैं, और बहुत सिंपल तरीका है इसे। अब हमने इधर थ्रेड में लिया, अब वहीं से हमें थ्रेड निकालना है, सुई निकालनी है, वहीं से निकाल के हम इसे धीरे धीरे करके पूरा टाइट कर देंगे
आराम से करेंगे तो एकदम इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा देखिए किस तरह से गुच्छा बन गया। इसे हम दो तीन स्टिच लेके एकदम टाइटली बांध देंगे और गांठ मार देंगे। इस तरीके से हम इस पर स्टिच लेकर गांठ मार देंगे। ये देखिए, ये हमारा किस तरह से मोतियों का गुच्छा सा बन गया। इस तरह के हमें चार गुच्छे बनाने हैं। अब देखिए, एक हमने यहां बना लिया, अंदाजे से हम इस तरह से सेंटर ले लेंगे। ये देखिए, इधर ये सेंटर है, इधर चाहे तो आप मार्किंग कर लीजिए। यहां धागा फिनिश कर देंगे हम, कैंची से काट देंगे। यहां हम सेम इसी तरह का बंच यहां भी बनाएंगे और उसी तरह का बंच हम आमने सामने, यानी कि हम चार बंच बनाएंगे बिल्कुल अंदाजे से। जिस अंदाजे से आप यहाँ पे मार्किंग करके एक बना लेवे, फिर आप इन दोनों का सेंटर लेके यहाँ पे एक बना के बिल्कुल उसके सामने एक बना दे, जिस तरह मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह हम चार बंच रेडी करेंगे ऐसे इसी तरह के। देखिए, हमारा बैंगल रेडी हो गया। ये देखिए, हमने चारों साइड लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये जो बीच का गैप है इसके अंदर हम सेंटर में इस तरीके से सिंगल डायमंड लगाएंगे। देखिए, सेंटर में हम इसका साइज लेके कटिंग करके रख लेंगे। यहां से लेकर ये सेंटर तक का हम साइज ले लेंगे और देखिए कटिंग करके इस तरह के टुकड़े काट लेंगे। चार हैं हमारे पास में, हम चार टुकड़े कटिंग कर लेंगे और फिर इसे ग्लू की हेल्प से हम सबसे पहले सेंटर पे लगाएंगे। इस तरीके से सेंटर पे लेंगे, ये देखिए, और अब हम इस पर स्टोन लगा देंगे। थोड़ा सा हम सेट करके सीधा कर देंगे। कटिंग में अगर लंबा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम पास में ले लेंगे तो भी ये सेट हो जाएगा और सूखने के बाद में इकसार दिखेगा। इस तरीके से आप इसे पूरा सेंटर में कर देंगे, दिख रहे? इसी तरह हम चारों तरफ ये लगा देंगे सेंटर में डायमंड की लाइन। और इसी तरह जिस तरह हमने डायमंड की लाइन लगाई है, उसी तरह हम ये गोल्डन बॉल चेन की लाइन लगाएंगे। इसके हम साइज लेके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने करके रखी इस तरह की कटिंग, साइज लेके कर लेंगे और इसके दोनों तरफ ये देखिए ग्लू की हेल्प से हम इधर भी दोनों तरफ डायमंड चेन के दोनों साइड में हम बॉल चेन लगाएंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ बैंगल में पूरा ये लगाएंगे। सबसे पहले हम डायमंड चेन लगाएंगे, फिर दोनों साइड बॉल चेन लगाएंगे। ये देखिए, हमारी बैंगल रेडी हो गई है, डायमंड लग के, बॉल चेन लग के पूरी तरह से। बस कुछ समय सूखने में जरूर लगेगा। देखिए, इस तरीके से आप पूरा सेट बना सकते हैं। ये मैंने दो को ज्वाइंट करके इतना चौड़ा डिजाइन दिया है। अभी आप इस पर सिंगल सिंगल पर थ्रेड लपेट कर सिंगल सिर्फ डायमंड की लाइन हो या बॉल चेन की लाइन हो, उस तरीके से भी बना के काफी सारी चूड़ियों का आप सेट बना सकते हो। आप दो की जगह चार चूड़ियां ज्वाइंट कर सकते हो या तीन कर सकते हो, जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप चूड़ियां ज्वाइन करके और साथ में सिंगल सिंगल चूड़ियां लेके आप पूरा सेट बना सकते हो। और कई सिंगल चूड़ियों को ओनली थ्रेड में लपेट के भी आप खाली रखोगे बीच में तो भी बहुत सुंदर सेट बनेगा। देखिए, इसे पछेली ये बनाई थी पिछली बार हमने, इसके साथ में हम देखिए इस तरह से रख सकते हैं और आगे पीछे सेंटर में भी पहन सकते हैं इसके साथ में हम। ये तो हमने रेशम के धागे पे बनाई है, सिल्क थ्रेड पे। ये देखिए, सैटन रिबन पे भी बन सकती है। ये देखिए, सैटन रिबन पे मैंने बनाई है, इजीली बनेगी बिल्कुल भी नहीं और सॉफ्ट भी है उतनी ही जितनी की हमारी रेशम की है। ये देखिए, उस पर बिल्कुल ऐसा पैटर्न बन सकता है जिस तरीके से हमने सिल्क थ्रेड पे बनाया हुआ है।
बिल्कुल उसी तरीके से रिबन पे भी आप चाहे उस पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं सिल्क थ्रेड ना हो तो आप रिबन पे भी आराम से बना सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारी चूड़ियां बना के पूरा का पूरा सेट बना सकते हैं मन मुताबिक कलर लेके। ये तो मैंने मैरून पे सिखाया है, रेड पे सिखाया है आपको, आप इसमें ग्रीन ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लू ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी जो चॉइस हो वो हिसाब से आप इसे ज्वाइन करके पूरा का पूरा चूड़ा सेट बना सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए एक एक दो दो पीस बनाए, ऐसे इस तरह से आपको ढेर सारे आप बना सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो व्यूवर्स चॉइस वीडियो था, उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे सीख के वो अपने लिए जरूर बैंगल्स बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।